नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ट्रस्ट श्री माँ गंगा आरती सेवा समिति प्रयागराज अध्यक्ष श्यामदास महाराज पर भूमाफियाओं ने हमला किया। श्यामदास महाराज का आरोप है कि झूसी के चमनगंज में उनकी जमीन पर भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा कर उस पर निर्माण करना शुरू कर दिया। जब अपनी जमीन का भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने का विरोध किया तो भूमाफिया संघ उसके गुर्गों ने उन पर हमला कर दिया। कटका निवासी बाबा श्यामदास महाराज ने कुछ साल पूर्व चमनगंज बाजार के पास जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। वहाँ कुछ दबंग पक्का निर्माण करा रही है। बाबा श्याम दास ने झूठी पुलिस एसडीएम फूलपुर समेत पीडीए के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बताया कि एसडीएम के आदेश के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रभु जी, हमारा जमीन, हमारा पैतृक जमीन भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। हमारा तीन भाई हम हैं, हमारे दो भाई के खरीद करके एक एक भाई का दो दो बिस्वा हिस्सा है। ये चार बिस्वा खरीद कर ये पूरा जमीन 6 बिस्वा का रकबा है। ये हमारा भी जमीन को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया लोग। मन्ना दुबे हैं और दीपक मिश्रा हैं, बबलू तिवारी हैं और कई लोग हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ प्लाटर बहुत पड़े हैं। आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये लोग प्लाटर हैं, ये प्लाटिंग करके ये सब विक्रय कर रहे हैं। आपने बोला? जी जी, प्रार्थना पत्र थाने पर, एसडीएम को और पीडीए को, सब जगह जगह हमने दे दिया। कई अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब अनशन करेंगे भगवान, अनशन करेंगे, मंडला अनशन। बाबा श्यामदास महाराज जी, श्री माँ गंगा आरती सेवा समिति प्रयागराज। हाँ बताओ, ये क्या पूरा मामला? ये पूरा 6 बिस्सा का रकबा है। यहाँ पे जो है ये लोग 4 बिस्सा दो भाइयों का लिखवा कर पूरा 6 बिस्सा कब्जा कर रहे हैं। ये लोग हमारा आगे का पूरा चौधरी कब्जा कर लिए। यहाँ से पूरा पीछे बाउंड्री है और ये लोग हमें रात को 13 तारीख से मार गए। एकदम जानलेवा हमला हो गया। हमारा गाय, राशन सामान सब चोरी हो गया, सिलेंडर, चूल्हा, और ये लोग हमें भंडारे का पूरा राशन, चावल, दाल, तेल सब। और ये लोग जान से मारने की पूरी धमकी देते हुए हमें यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे हैं। आज हम आपके सामने, मीडिया प्रभारी के सामने, कैसे भी करके हिम्मत करके खड़े हैं। हमारे पूरी कागज तैयार है और फूलपुर एसडीएम मना करने के बावजूद, अपर उक्त प्रशासन के मना करने के बावजूद भी ये लोग काम लगाए हैं। और अभी एडीए वाले आए थे मना करे, तब भी ये लोग काम लगाए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बंदूक दिखा कर ये लोग हमको भगा रहे हैं। शिवम।